नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है सर्वे क्लासेज में। बच्चों क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। बच्चों आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, यू नो दैट, तुम जानते हो 1/7 कि हम 1/7 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 0.142857 ऊपर क्या लग रहा है, बार, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये रिपीटिंग नंबर है, ठीक है, इसका मतलब रिपीटिंग है। तो बच्चों कौन सा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटेड, ठीक है, जो हमने किया था। कैन यू प्रिडिक्ट वट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, कह रहा है क्या आप प्रिडिक्ट मतलब क्या आप मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि 2/7 या 3/7 या 4/7 या 5/7 या 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको बिना जो भाग जो लॉन्ग डिवीजन होता है, जो आप क्या करते हो, भाग देते हो, फिर आप भाग देख के चेक करते हो, डिवाइड देख के चेक करते हो, तो आपको डिवाइड नहीं करना बच्चों, आप बिना डिवाइड के प्रिंट करो, मतलब आप थोड़ा इसमें बताओ कि बच्चों 2/7 का बिना लॉन्ग डिवीजन के, विदाउट मीन्स के बिना, ठीक है, मतलब आपको लॉन्ग डिवीजन मतलब डिवीजन नहीं किया करना, डिवाइड नहीं करना बच्चों, और उसके बिना ही आपको बताना है कि 2/7 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। If, यदि, so how, अगर है तो कैसे होगा वो पूछ रहे, ठीक है। तो बच्चों देखो ध्यान से, बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिए बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम 1/7 को क्या ले सकते हैं, वो ध्यान से देखो, 1/7 को क्या दिख रखा है, 0.142857 और उसके कंप्लीट के पर बार है ना बच्चों, ओके। हमें सबसे पहले 2/7 का करना है, तो सबसे पहले मैं 2/7 का कर रहा हूं, आ जाओ बच्चों ध्यान से देखो। बच्चों यहां पे 2 की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, तो मैं मानता हूं 1 भाई, ओके। तो देखो यहां पे 2 1 2 मतलब 1 मैं लिख सकता हूं यहां पे, तो बच्चों मैं 2 को अलग कर देता हूं। अब ये देखो क्या बचा, 1/7 2 मल्टीप्लाई 1/7 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम 0.142857, ठीक है बच्चों, उसके ऊपर क्या है बार, मतलब 2 को इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बच्चों। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2/7 की, वो भी किसमें, डेसिमल एक्सपेंशन में, तो वही तो चेक करना था बच्चों, बहुत ही जी है ना। तो हमने इसमें डिवाइड किया नहीं किया, बिना डिवाइड किया हमने इसको सोल्व भी कर दिया, तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है। तो आप देखो, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2/7 जा 14 का 4 1 कैरी, ध्यान से रखना बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना इसका, जो मैं कैरी बताता हूं ध्यान रखना, 2/5 जा 10 और 1 11 का 1 फिर 1 कैरी, 2/8 जा 16 और 1 17 का 7 फिर 1 कैरी, 2 जा 4 और 1 5, 2/4 जा 8 और 2/1 जा 2, तो बच्चे देखो आगे पॉइंट का पॉइंट और 0 को 2 से कर दो, 0 आएगा। तो अब आप देखो बच्चों इसके ऊपर क्या लगे बार, ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, 2/7 की आ गई। आप ऐसे ही 3/7 की चेक कर सकते हो, 3/7 की बच्चों आप खुद करना, कैसे करोगे, 3 × 1/7 आपको पता है 3 × 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 0.142857, इसके ऊपर क्या लग रहा है बार, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, वो आपका क्या जाएगा आंसर। 4/7 की चेक करनी है तो बच्चों कैसे करोगे, 4 × 1/7 सेम ऐसे ही, 4 × 1/7 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.142857, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी ना वैल्यू 1/7 की, तो आप 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप 5/7 की और 6/7 की भी आप बच्चों खुद चेक कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो बच्चों प्लीज लाइक करा करो वीडियोज को, ठीक है, एंड शेयर करो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो हमारी वीडियोज को, अनसब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना हमारे चैनल को बच्चों। बाय बच्चों।